सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ टू इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के फाउंडेशन वर्क के पहले क्या क्या चेक करना रहता है और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो सबसे पहले सर्वे होता है, लाइन लेंथ नंबर ऑफ लोकेशंस डिविटेशंस, और चेक किया जाता है कि कितने लेंथ इसका कितना दूर तक होता है, कितने टावर आते हैं, और रिवर क्रॉसिंग कम से कम कवर हो, कम से कम फॉरेस्ट एरिया कवर हो, एक्सेसिबिलिटी राइट ऑफ ROW जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं प्राइवेट लैंड पे वो कम पड़े, टू एक्सेस रूट कंसिडरिंग टू कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग जैसे आने जाने के लिए कोई अपने जो व्हीकल्स होते हैं उसको देख रेख में हम टावर को रखने का पॉइंट उसके रखने का प्लान करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए हॉरिजॉन्टली राइट ऑफ, जैसे तार और के लिए दिक्कत ना हो, क्लियरेंस। डिटेल सर्वे ऑब्लिगेटरी पॉइंट ये अवॉइड करना चाहिए, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया किसी की प्राइवेट लैंड है, मिलिट्री फायरिंग बेस है, एरोड्रम्स है, इनहैबिट ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया को कवर नहीं करना है, हिल ट्रेन कवर नहीं करना है, मर्सी यानी दलदली या सबमर्सिबल एरिया है उसको कवर ना करें, वो कवर ना हो जाए, चाहे बीच में ना आ जाए, इसके लिए सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हायरी एंड 90 डिग्री एंकल टर्निंग, और ऐसा कोई लोकेशन ना जाए जहाँ से 90 डिग्री का एंगल लेके हम अपना वायर को ले जाना पड़े, तो ऐसे चीज़ों को पहले ही अवॉइड करना पड़ता है। ऑयल एंड गैस स्टोरेज एरिया को अवॉइड करना है, नहीं तो ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड और इंडिकेट किया जाता है। सबसे पहले पावर लाइन्स कितने रहते हैं, LT रहते हैं, LT से लेकर 765 kV तक हम लाइट को कवर करते हैं, उसमें जो आते हैं हम उसको इंडिकेट करते हैं। PT लाइन क्रॉसिंग को इंडिकेट करते हैं, रेलवे क्रॉसिंग आती है तो इंडिकेट करते हैं ताकि उसकी प्रिकॉशन हम पहले से ले सकें। रिवर क्रॉसिंग कम से कम करना चाहिए लेकिन आ जाती है तो करना पड़ता है। रोड क्रॉसिंग, विलेज क्रॉसिंग, एग्रीकल्चर वेल्स, फील्ड वॉन्ड, अर्थ वॉन्ड्स, टाइप ऑफ सॉयल, क्रॉप अनाज एंड ट्रीज, फसल वाली जो भूमि होती है और पेड़, एक्चुअली कहीं ना कहीं हमको ये कवर करना पड़ता है, ये इसको पार करना पड़ता है, इसलिए हमें इंडिकेट करना पड़ता है क्या प्रिकॉशन ले। सर्वे में मेन रूप से मार्किंग ऑफ टावर लोकेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लाइन पॉइंट, पिट मार्किंग और एक्सकवेशन। तो अब चलते हैं हम सॉइल देखते हैं, इसके फाउंडेशन के सॉइल पर क्या निर्भर करती है। तो जो सॉइल होता है उस पर नॉर्मली फोर्स लगता है, द कंप्रेशन और डाउनवर्ड थ्रस्ट, द टेंशन और अपलिफ्ट, और द लैटरल फोर्स साइड थ्रस्ट इन बोथ ट्रांसवर्ब, यानी दोनों तरफ से जो तार जब खींचते हैं उसका भी फोर्स डायरेक्ट पड़ता है, और इसको कवर करते हुए हमको फाउंडेशन करना रहता है। नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन में चार प्रकार के ही हम सॉइल को कंसीडर करते हैं, और चार प्रकार के टावर होते हैं, नॉर्मल ड्राई टाइप, पार्शियली सबमर्ज टाइप और फुली सबमर्ज टाइप, वेट टाइप। एक्चुअली क्या होता है कि आप डिटेल में इसे आप स्क्रीन को रोक के पढ़ सकते हैं, अगर मैं एक एक करके बताते रहूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि इतना लंबा खींचूं, सीधे पॉइंट पर हम आएंगे। सॉइल टेस्टिंग इसलिए करना ज़रूरी होता है ताकि स्टेबिलिटी और उसकी पोर्टेबिलिटी हम चेक कर पाएँ, उसके स्ट्रेंथ चेक कर पाएँ टावर की, क्योंकि टावर चार प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के और टावर में अलग अलग हम एक्सकवेशन करते हैं। चलिए टावर फाउंडेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के बाद PCC का करना, PCC के बाद स्टॉप फिक्सिंग, जैसे आप फोटो में देख रहे होंगे स्टॉप फिक्सिंग। स्टॉप फिक्सिंग के बाद अलाइनमेंट करना, ये इसको अलाइनमेंट हम कहते हैं, ताकि प्रॉपर जो स्टॉप रहे वो प्रॉपर डायरेक्शन में रहे। उसके बाद जब ये अलाइनमेंट हो जाता है उसके बाद हमको प्रॉपर उसको कंक्रीट करना है। कंक्रीट करने के बाद हमारी जो पोजीशन आती है क्यूरिंग की, तो क्यूरिंग हमको नॉर्मली 7 days करना है, 7 से 10 days रहता है, डिसटरिंग और टेम्पलेट रिमूवल और बैकफिलिंग। तो फ्रेंड्स ये सब प्रोसीजर हैं, और इसमें मेनली रूप से हमें क्या कवर करना है कि जब भी एक्सकवेशन होती है तो नॉर्मल हम एक्सकवेशन का जो प्रिकॉशन लेते हैं वो हमें वहाँ अप्लाई करना है। अगर आपने नॉर्मल एक्सकवेशन की सेफ्टी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको चेकआउट करिए, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो टावर इरेक्शन पे लेके आ रहा हूं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।